अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 आर्थिक वृद्धि अने विकास यानी के तरक्की और बढ़ोतरी, पार्ट 6। इससे पहले हमने मासी बढ़ोतरी उसके बारे तारीफ सुनी, उसकी देख तारीफ दे हमने लिखी। अब हम मादी सिफत की इस्लाहत देखी इससे पहले के पीरियड में। आज हम ज़िंदगी की मादी सिफत की अदद की तस्कील कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, यानी कि जीवन ना भौतिक गुणवत्ता ना अंकनी रचना, गुजराती में बोलेंगे जीवन ना भौतिक गुणवत्ता अंकनी रचना, ज़िंदगी की मादी सिफत की अदद की तस्कील। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ज़िंदगी की मादी सिफत का अदद क्या है, वो तालीम, मुतवाक़े उम्र और बच्चों की अमवात, ये तीनों पर मुनहसिर किस तरह है, इसकी तस्कील किस तरह होती है, इसकी कुल कदर कितनी है और उस कदर की बिना पर हम कौन कौन से मुल्क की हालत कैसी है, ये आसानी से जान सकते हैं। इससे पहले हमने जो इस्लाहत देखी थी उसमें 10 बातें बताई थी, लेकिन ज़िंदगी की मादी सिफत की अदद की तश्कील के अंदर ये सिर्फ 3 बातों को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। तो वो मैंने आपको बताया था, तालीम, फिर बच्चों की अमवात और उम्र, अंदाजन उम्र, मुतवाक़े उम्र, उसको बताया थी चाबी भी आशीबा यानी कि शिक्षण, अपेक्षित आयुष्य ने बाल मृत्यु दर। तो सबसे पहले हम जान लें कि ज़िंदगी की मादी सिफत की अदद की तश्कील कैसे होती है। तो सबसे पहले मादी सिफत की अदद की जो कदर है वो 100 होती है, यानी कि याद रहे कि इसकी महत्तम मूल्य कितनी है, 100 है। तो PQLID महत्तम मूल्य कितनी है, 100 है। दूसरा, तीनों जो अज्जा है, तालीम, मुतवाक़े उम्र और बच्चों की अमवात, ये तीनों जो अज्जा है इनको मिलाकर इसकी कुल कदर 0 से 100 के दरमियान में लेते हैं, यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 होती है। अब ये तीनों अज्जा की कदर करने के बाद जो तीनों अज्जा का मजमूआ है, ये तीनों की प्लस की जाती है और मजमूआ करने के बाद उसे 3 से तकसीम करने पर जो औसत निकाली जाती है, जिसे हम PQLI के नाम से जानते हैं। तो याद रहे कि इसकी महत्तम मूल्य जो है वो कितनी है, 100 है। किस तरह से, तो ये तीनों जो अज्जा है, ये तीनों अज्जा को मजमूआ करने के बाद, तीन का मजमूए को 3 से तकसीम करने से हमको जो औसत मिलती है, जिसे हम PQLI के नाम से जानते हैं। अब PQLI 0 से 100 के दरमियान में है, हम ये कह सकते हैं कि कौन से मुल्क की हालत कैसी है, ऊंची है या नीची है। तो जो मुल्क 100 के करीब होता है तो उसकी हम कहेंगे कि उसकी कामगिरी बहुत बढ़िया है, यानी कि उत्तम है, ये कहा जाएगा, यानी उस मुल्क की मादी तरक्की ऊंची गिनी जाती है। और जो मुल्क 0 के करीब होता है तो उसकी कामगिरी क्या है, कम है, यानी कि नीची है, ऐसा कहा जाएगा कि उसकी तरक्की कैसी जा रही है, नीची। और दूसरा, कोई भी मुल्क की मादी सिफत का अदद 0 से 100 के दरमियान में ही होता है हमेशा, इससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होता। ज़िंदगी की मादी सिफत का फ़ायदा एक ये भी होता है कि इसका मुआजना हम किसी भी मुल्क के साथ, दूसरे मुल्क के साथ कर सकते हैं। इसका मुआजना हम किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ, एक रियासत से दूसरे रियासत के साथ, दुनिया के कोई भी मुल्क के साथ हम कर सकते हैं। दीगर ममालिक से दीगर रियासत के मुकाबले में हमारे मुल्क से रियासत मादी सिफत का अदद कैसा है, हमारे मुल्क की तरक्की कैसी है, इसका मुआजना हम आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमने ज़िंदगी की मादी सिफत की तश्कील देखी, जिसकी बड़ी कदर कितनी है, 100, और 0 से 100 के दरमियान इसकी कदर होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी मुस्बित बातें होती है। इसकी जो मुस्बित बातें हैं
तो उसकी मुस्बित बातें, तालीम और सेहत आमा का शुमार फीका सामदनी से बेहतर कम हदूद मुआजना शहरी देहाती मर्द होते, ये इसकी तमाम के तमाम क्या है, मुस्बित बातें हैं। ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट दिए। तो अभी हमने ज़िंदगी की मादी सिफ़ा दरद की तश्कील देखी, अब इसके बाद हम इसकी मुस्बित बातें कौन कौन सी है, कौन सी मादी सिफत के ज़रिए हमारे मुल्क की माशी तरक्की को नापा जाता है, ये इसकी मुस्बित बातें हम देखेंगे। तो इसकी पांच मुस्बित बातें हैं जिसकी वजह से मादी सिफत के अदद से मुल्क की माशी तरक्की को नापते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे अच्छी मुस्बित बात यह है कि इंसानी तरक्की को लगने वाली बात है तालीम और सेहत अम्मा, जिस पर हम कह सकते हैं कि इंसानी तरक्की क्यों कम है। तो हकीकत में इंसानी तरक्की की बिना पर ही तो हम मुल्क की तरक्की को नाप सकते हैं। तो तालीम और सेहत अम्मा इससे लगने वाली बात है और इसका शुमार ज़िंदगी की मादी सिफत के अदद में किया जाता है। दूसरा इसका इशारा यह है कि इसे सबसे बढ़िया माना जाता है, यानी कि चरियातु माना जाता है। दूसरे मुल्क की तरक्की नापने का जो अदद है वो है फीकस आमदनी। तो फीकस आमदनी दूसरे मुल्क की तरक्की नापने के अदद से जो है ये सबसे अच्छा मेयार है। फीकस आमदनी यानी कि ये है कि इसका फीकस आमदनी से इसका जो दूसरा मेयार है ये सबसे अच्छा है। क्योंकि फीकस आमदनी और कौमी आमदनी के हुदूद थे, जो हुदूद उसके हुदूद करते इसके हुदूद यानी कि ज़िंदगी की मादी सिफत के अदद के जो हुदूद है वो कम है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया है, यानी कि उत्तम है, यानी कि चढ़िया तुझे। दूसरी बात यह कि कोई भी मुल्क का मुआजना हम मुल्क के साथ किसी भी बात के साथ कर सकते हैं। कि फीकस आमदनी में मुश्किल ये आती थी कि चलन का सरमाया की मुश्किल आती थी कि एक मुल्क जब दूसरे मुल्क से अगर मुकाबला करता है या उसको हमको ये कारना होता है आर्थिक वृद्धि यानी कि इकतेसा माशियाती तरक्की और माशी बढ़ोतरी कारनी होती थी, तो हम उसको कोई भी चलन को पहले कायमे तब्दील करते थे, अमेरिका के डॉलर में तब्दील किया जाता था और उसके बाद ही उसका मियार निकाला जाता था। सही मियार हम जान नहीं सकते थे, वो भ्रम में रहते थे और नतीजा ये होता था कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ मुआजना हम नहीं कर सकते थे। ज़िंदगी की मादी सिफत में एक अच्छी बात ये भी है कि हमको हालात भी वक्त के मकाम की शोबों की मुआजना हम आसानी से कर सकते हैं और ऐसा मुआजना हम कर सकते हैं कि शहरी और देहाती आबादी का औरतों और मर्दों का मुआजना हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है ज़िंदगी की मादी सिफत की हुदूद है, इसके हुदूद भी है। तो इसके जो हुदूद है वो भी पांच है कि ज़िंदगी की मादी सिफत के अदद के जो हुदूद है वो कितने है, पांच है। सिर्फ तीन बातें, औसतन नाप, यकसा अहमियत, माशी बढ़ोतरी को ध्यान, ऊंचा अदद हो तो दूसरे मुल्क से ज़्यादा तरक्की। तो ये मैंने सिर्फ पॉइंट शॉर्टकट में लिखे हैं। तो ज़िंदगी की मादी सिफत के अदद के हुदूद है कितने है, पांच है। कि ज़िंदगी की तरक्की को दूर करती है तो इससे पहले हम देखेंगे कि ज़िंदगी की सिफत का जो अदद है उसे उसके हुदूद कितने हुदूद है, तो वो पांच मैंने आपको बताएं कि ज़िंदगी की मादी सिफत कैसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ तीन बातों पर ही बताती है। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें 10 बातें बताई है, लेकिन ज़िंदगी के मादी हुदूद के अदद के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तीन ही बातों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मसलन इससे पहले हमने देखा था नक़्ल हमल, खबर रसानी, पीने का साफ पानी, ये तमाम बातें तो बताती है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी की मादी सिफत का सिर्फ तीन ही बातों को ध्यान में रखा जाता है जो इसके हुदूद अहमियत देते हैं। दूसरा ये कि ज़िंदगी की मादी का सिफत औसतन नाप है। औसतन यानी तीनों अज्जा का मजमुआ और उससे तीन से तकसीम दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी मुल्क में तालीम की मिकदार ज़्यादा होती है, मुतवाक़े उम्र और बच्चों की उम्र कम होती है, तो ये बातें हमें औसतन में दिखाई देती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हासिल नहीं कर सकता है या कोई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हासिल कर सकता है या कोई सेहत अम्मा से पीछे है या फिर कोई सेहत अम्मा से आगे है। तो इसके बाद दूसरा ये कि ये तीनों अदद जो है तालीम, मुतवाक़े उम्र, बच्चों की अमवात, ये तीनों को हमेशा यकसानियत दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि इंसानी ज़िंदगी में कभी कभी ये तीनों बातें यकसानियत नहीं होती। मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी आदमी किसी को तालीम कम होती है, कोई किसी के पास आमदनी कम होती है, तो कोई के पास सेहत आम्मा कम होता है, किसी के पास आमदनी ज़्यादा होती है, किसी के पास सेहत आम्मा कम होता है। इंसानी ज़िंदगी में हकीकत ये तीनों की अज़ा की अहमियत यकसा नहीं होती। यहाँ सिर्फ ये अंदाज़ा मान लिया जाता है और इस अंदाज़े की बिना पर ही ज़िंदगी की मादी सिफत में इसको अहमियत यकसा दी गई है। चौथा पॉइंट है मेरा कि मासी तरक्की जो मुल्क की तरक्की के लिए अहम है, यहाँ इसको इसको ध्यान में ही नहीं लिया गया है। तो मासी तरक्की की यानी कि क्या किया कि मासी तरक्की का मुतजाद है, उसकी उपेक्षा की है। अब पांचवा है कि मुल्क में कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि ज़िंदगी की मादी सिफत का अदद अगर भारत का ऊंचा है और अमेरिका का नीचा है तो हम आसानी से समझ लेते हैं कि भारत की तरक्की ज़्यादा है और अमेरिका की कम, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जिस मुल्क का अदद ऊंचा हो तो दूसरे मुल्क के मुकाबले में हमारी तरक्की ज़्यादा हो रही है ऐसा हम हरगिज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस मुल्क की अदद कम हो तो माजी में हो सकता है कि उसने तरक्की कर ली हो और हाल में उसकी रफ्तार अभी कम हो गई हो। तो इसके तीन हुदूद है जिसके बिना पर हम मादी सिफत को अहमियत हासिल है। एक तो मुतवक्के उम्र, बच्चों की अमवात और तालीम। हालांकि बातें तो 10 थी लेकिन इन बातों में से सिर्फ और सिर्फ कौम जीवनी भौतिक गुणवत्ता ना अंक मा यानी कि ज़िंदगी की मादी सिफत के अदद में सिर्फ ये तीन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब इसके बाद हम देखेंगे